विषय की आज वर्कशीट नंबर 13 है 4 अगस्त की। इसमें हम पढ़ेंगे विलयन के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन क्या होता है? पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था मिश्रण के बारे में। मिश्रण इसका थोड़ा सा आगे, अगर हम मिश्रण को आगे परिभाषित करें तो उन्हीं से एक चीज़ निकल के आती है जिसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन या विलयन बोलते हैं। अब वहाँ पर जिज्ञासा कहती है, दीदी ये विलयन क्या होता है? जिज्ञासा अपनी दीदी से पूछती है विलयन क्या होता है। तो ज्ञान भैया जिज्ञासा पूछता है अपनी बहन से, जिज्ञासा है लड़के का नाम है, तो कहता है ज्ञान भैया दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। यानी दो या दो से अधिक पदार्थ या यौगिकों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है, सॉल्यूशन कहा जाता है। जैसे चीनी का घोल, टिंचर आयोडीन, वालित पेय और पीतल आदि। एक विलयन के दो भाग होते हैं, विलयन में हमेशा दो भाग होते हैं, जैसे मिश्रण में भी दो भाग होते हैं, क्योंकि एक का तो चीज़ का अकेला मिश्रण तो बनेगा नहीं। तो समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब विलयन है, सॉल्यूशन है, उसके दो पार्ट हैं, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है, एक जो उसमें घुल जाता है और एक जो अपने में घुलता है। तो जो विलायक है वो अपने में घुलता है, जो विलेय है वो घुलता है। यानी विलायक विलयन का एक ऐसा घटक है जिसकी मात्रा विलेय से अधिक होती है। जो विलायक होता है वो हमेशा विलयन से ज़्यादा होता है मात्रा में। देखो जैसे ORS का घोल होता है, ORS का जब घोल बनाया जाता है तो वो पानी के साथ बनाया जाता है, पानी में चीनी और नमक घोल कर तैयार किया जाता है। क्योंकि हम पानी में कम मात्रा में चीनी और नमक मिलाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि पानी क्या है, विलायक है, और चीनी और नमक दोनों विलेय हैं। तो चीनी नमक से बना हुआ ORS का घोल क्या है? एक सॉल्यूशन है, एक विलयन है या समांगी मिश्रण है। अब विलयन की परिभाषा क्या बनी? विलयन की परिभाषा बनी, विलयन को आम तौर पर केवल ऐसे तरल पदार्थ के रूप में समझा जाता है जिसमें ठोस द्रव या गैस मिले और घुले हों, लेकिन प्रकृति में जलीय विलयन के अलावा ठोस विलयन, मिश्र धातु, मिट्टी, गैस विलयन, वायु भी होते हैं। अब जैसे वायु है, वायु भी एक समांगी मिश्रण है, तो वो भी क्या है? विलयन है, ठीक है। अब विलयन के गुण क्या होते हैं? विलयन एक समांगी, जिसकी बनावट हर जगह क्या होती है? एक समान होती है, एवं स्थायी मिश्रण होता है। अब विलयन क्या होता है? एक स्थायी मिश्रण होता है। अब जैसे मिश्रण की बात हुई तो मिश्रण में हमने कहा कि उसको भौतिक तरीके से हम अलग कर सकते हैं, पर इसमें तो कर तो सकते हैं, पर क्या है, एक जो भी विलयन होता है वो स्थायी रूप से रहता है। विलयन के कणों का आकार इतना प्रोटो होता, छोटा या नैनो होता है कि उन्हें केवल आँख से नहीं देखा, और विलयन का भी कल कहा था कि हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, दूर से देख नहीं सकते इसमें कौन से कण मिले हुए हैं। और ये समांगी होता है, कहीं से भी उठा लें तो उनका जो विलयन होगा वो एक समान होता है, समांगी होता है। अपने छोटे आकार के कारण विलयन कण गुजर रहे प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं, और इतने छोटे होते हैं अगर इनके बीच में से प्रकाश की किरण भी निकल जाए तो उसको वो फैलाते नहीं, इसलिए विलयन से प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता, और विलयन से प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता। विलेय कणों के छोटे आकार के कारण उन्हें छानन विधि से विलयन में से अलग नहीं किया। अब दूसरी चीज़ क्या है कि जो विलेय के कणों का आकार बहुत छोटा होता है तो इसे छानन विधि से विलेय से या विलयन से अलग नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत छोटे होते हैं, ये प्रकाश के रास्ते को कोई बाधा नहीं डालते और इन्हें छान के अलग नहीं किया जा सकता। अब बच्चों इसमें कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको देने हैं, और उसके लिए मैंने एक डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक दिया है, उस लिंक को आप क्लिक करोगे तो सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, समझा भी देता हूँ। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए लिंक को क्लिक करोगे तो ये आपको खुलेगा, ये साइट खुलेगी, वहाँ पर आपको ये दिखाई देंगे, उसमें आपके प्रश्न उत्तर डिटेल से दिए गए हैं। विलयन क्या है, उदाहरण सहित बताइए। उत्तर है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है, जैसे चीनी का घोल, टिंचर आयोडीन, वातित पेय और पीतल आदि। प्रश्न नंबर दो है, विलेय और विलायक की परिभाषित कीजिए। किसी समांगी विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उस पदार्थ को विलायक कहते हैं, जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। अर्थात कोई भी विलयन विलायक और विलेय दोनों से मिलकर बना होता है। प्रश्न नंबर तीन है, दिए गए
प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए बिलियन में विलेय और विलायक की पहचान कीजिए और यह भी उल्लेख करें कि क्या यह ठोस, तरल या गैस है। अब इसमें जो दिया है उसमें विलेय बताना है, विलायक बताना है और ये भी बताना है ये ठोस है, तरल है या गैस है। अब जैसे बिलियन क्या है, हवा है, हवा में क्या है, क्या चीज़ है ज़्यादा, नाइट्रोजन ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन क्या हुआ, विलायक हुआ और ऑक्सीजन क्या हुआ, विलेय हुआ और ये क्या है, गैस है। दूसरा क्या, दूध एवं पानी को जब मिलाते हैं तो इसमें जल क्या है, विलायक हुआ और जो वह है आपका वसा या फिर प्रोटीन या कैल्शियम जो भी चीज़ें से मिली होती हैं वो क्या हुआ, विलेय होते हैं और ये लिक्विड है, तरल है। और पानी पेप्सी है, पेप्सी में क्या मिला होता है, पानी पानी के साथ होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डली होती है, तो विलेय हुआ, विलायक हुआ पानी, विलेय हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और ये क्या है, लिक्विड है, जली है। आर्द्र हवा, तो इसमें क्या है, हवा है विलायक और विलेय है वाष्प, ये गैस है। समुद्री जल, इसमें क्या होता है, जल होता है विलायक और विलेय होता है नमक और ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है समुद्री जल। जो हवा में जो प्रदूषण होता है, तो हवा है विलायक और विलेय है धूल के कण, ये गैस फॉर्म में होता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 का। और प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, एक विलयन के गुणधर्म लिखो। विलयन का गुणधर्म क्या है, विलयन एक समांगी और स्थायी मिश्रण होता है। दूसरा है, विलयन के कणों का आकार बहुत छोटा होता है, इसे आंखों से ना देखा जा सकता है और अपने छोटे आकार के कारण इस विलयन के कणों को किरण भी नहीं फैलती, इसलिए इनको किसी प्रकार से अलग भी नहीं किया जा सकता है। विलयन कणों के छोटे आकार के कारण इसे छान कर भी अलग नहीं किया जा सकता, इनको अगर हम चाहें कि छान के अलग कर दें वो भी हम नहीं कर सकते। जलीय विलयन क्या है, एक उदाहरण सहित बताइए, जलीय विलयन क्या है, इसको उदाहरण देना है। जलीय विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें पदार्थ पूरी तरह से घुल जाते हैं, पदार्थ के जली ठोस और गैसी हो सकता है, जैसे नमक का घोल, चीनी आदि, ये सब जलीय विलयन कहलाते हैं। तो बच्चों ये था आपका इसका विज्ञान का विलयन का चैप्टर था, वर्कशीट नंबर 13। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन भी दबाइए ताकि जो भी वीडियो में डालो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाएं और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें। कोई भी अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ अपने तरफ से सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स लिख सकते हैं।